नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान दोस्त पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन क्रिएटिव फार्मर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू सग्गू थ्रेशर के बारे में, जो कि 2021 में न्यू लॉन्च हुआ है। इसमें क्या नए फीचर्स आए हैं, क्या अपडेट्स आई है और इसको किसान भाई किस प्राइस में परचेस कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम सर से जानेंगे जिन्होंने यह थ्रेशर खरीदा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सर जी नमस्कार, नमस्कार एक बार फिर, और आपका अपना परिचय हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी, मेरा नाम ईश्वरलाल जड़वा है, गांव सालेड़ा का हूँ, तहसील वल्लभ नगर, जिला उदयपुर से हूँ, राजस्थान से हूँ। तो सर, आपने ये न्यू सग्गू थ्रेशर खरीदा है जी, इसमें आपने क्या नए फीचर्स आए हैं? यहाँ एलिवेटर से स्टार्ट कीजिए। ये काफ़ी नया चेंजिंग आया, बहुत सारे चेंज है। पहले वो एलिवेटर ऊपर वाला था, वो काफ़ी फंसने की शिकायत थी, दे दिया है पाइप, इसके जरिए पीछे चला जाता है माल, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। और इसमें यह तूड़ी क्या है, इसमें क्या ये है? तीन फैन का दिया हुआ है, इसमें क्या दो फैन तो बाहर फेंकने के लिए जो भी भूसा अपना, और एक फैन उठा के इसको देता है, इसलिए इस माल में कचरा नहीं आता, एकदम साफ आता है। ये इसका टूल बॉक्स है, जो कि अपने सामान रखने के लिए, कोई भी वो पाना पेशकश रखने के लिए टूल बॉक्स दिया है। और ये ऑयल ड्रम है, इसको बोलते हैं, ये गिरारी इसमें रहती है सारी, ऑयल से चलता है, अंदर ऑयल होता है। तो सर, इसमें इस डोली के बारे में थोड़ा बताइए। ये डोली काफ़ी पहले वाले थ्रेशर से काफ़ी नीचे कर दी गई है, ताकि क्या कोई भी छोटा हाइट वाला भी आदमी हो तो वो अंदर आसानी से डाल सके, माल में फसल आसानी से डाल सकता है। और इसमें चार कटर लगे हुए हैं, तो आप देख रहे हैं वीडियो में देखा होगा आपने, काफ़ी गीला माल भी निकल रहा है, कितना फास्ट तेज़ी से निकल रहा है ऐसा माल, बाकी पहले वाले थ्रेशर में ऐसा नहीं निकलता था। तो इसमें मतलब गीला माल आएगा तो भी आराम से गीला माल है, आराम से निकलेगा और एलिवेटर से पीछे डाल देगा ये कचरा वचरा, और नीचे तरपाल पे ऐसा कोई ज़्यादा नहीं रहता है कचरा। एक ये गियर के बारे में बताइए थोड़ा। ये गियर अपने ये जो पीछे राउंड का चलता है वो रुक जाए माल, ज़्यादा इसकी ज़्यादा की वजह से रुक जाए तो ये इसे दबाने से चल वापस चल जाता है, वापस रोटेशन बन जाता है। और ये सेफ्टी कवर के बारे में बताइए। सेफ्टी तो काफ़ी अच्छी सेफ्टी था कि बेल्टें में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेल्टें में कोई लेडीज है उसके कपड़े अंदर नहीं आए, इसलिए सेफ्टी काफ़ी अच्छी दी है। कुल मिला के जान का जोखिम नहीं रहता, जान का जोखिम नहीं रहता है इसलिए। एक ये गियर है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये गियर अपना रिविश के लिए, थ्रेशर को वापस अगर फंस जाए तो वापस रिविश हो सकता है, कई तरपाल हरपाल आ जाए वो भी रिविश हो सकता है, वापस निकाल सकते हैं और वापस लगा सकते हैं, और रोक भी सकते हैं इसको, कहीं आप तरपाल का माल डाल रहे हैं अंदर तो उसको रोक कर डाल सकते हैं ये। हाँ, इसलिए और इसमें चार कटर हैं, और ये जाल ये बहुत अच्छी दी है, टायर इसमें बढ़िया टायर आते हैं, पहले वाले जो सगू के मशीन आती थी उसके ड्रम खुलने का और जाली निकालने का दोनों उस साइड था, अब जो नए 2021 में आ रहे हैं उसका ड्रम भी इधर से खुलता है, ये लोक दे रखा आपने न, और ये भी जाली भी इस साइड से ही निकलती है, दोनों तीनों जालियों, और ये एक और बढ़ा दिया, इसके नीचे पतड़ा लगा दिया है ताकि सारा ये धूल मिट्टी हो, नीचे का धूल मिट्टी है इधर आ जाता है, नीचे तरपाल पे ज़्यादा कचरा नहीं होता है। और ये स्टैंड दे दिया है, इस पर खड़े रहकर आप काम कर सकते हैं, ये पहले नहीं आता था, पहले ये छोटी फंकी थी यहाँ पर लगी हुई थी, वो फंकी हटा दी, अब इस फंके से ही कनेक्शन लगा दिया है, हवा काफ़ी अच्छी बना रहा है, अब चने की फसल हो सोयाबीन की हो अच्छी तरह से क्वालिटी अच्छी निकालता है, कचरा नहीं आता है। तो सर, इसमें कोई सब्सिडी का कोई सिस्टम है या नहीं? सब्सिडी का सिस्टम है, इसमें छूट आती है, अपने अपने स्टेट से आती है छूट, लेकिन 50,000 मिनिमम तो आते ही है छूट। और इसमें क्या क्या खपत है इसमें, एक घंटे के हिसाब से तेल? एक घंटे का ये तो ट्रैक्टर निकालता है, ट्रैक्टर 4 लीटर घंटे का, 3-4 लीटर खा जाता है, गीले माल में ज़्यादा खाता है, सूखे माल में तो कम खाता है, उस पर डिपेंड करता है गीला या सूखा। और इसमें कितना माल निकाल देता है मतलब क्विंटल के हिसाब से? ये अगर सूखा माल हो, सोयाबीन जैसे सूखी हो, तो घंटे की 10-12 बोरी 15 बोरी आसानी से निकाल सकता है, आसानी से निकाल सकता है। तो सर, आपने ये थ्रेशर कहाँ से खरीदा? ये थ्रेशर मैंने उदयपुर से खरीदा। उदयपुर? किस प्राइस में खरीदा? ये 4 लाख समथिंग में खरीदा। 4 लाख? 4 लाख में खरीदा। और आपने क्या सोच कर इस थ्रेशर को खरीदा? ये हमारे गाँव में ज़्यादातर थ्रेशर मशीन यही मॉडल है, सगू का ही है, और आसपास में अच्छा है, क्वालिटी अच्छा निकालता है माल में,
दबता नहीं है, काफ़ी अच्छी साफ साफ सुथरी फसल निकालता है, इसलिए भेजा। और बहुत सारे किसान भाई इसको खरीदना चाह रहे होंगे या आपके वीडियो के द्वारा देखकर वो उसको खरीदना चाहते हैं, तो क्या सुझाव देंगे आप? ये खरीदिए सकू का थ्रेशर, बहुत अच्छा थ्रेशर है। तो सर एक बात बताइए, अगर कोई किसान इसको खरीदना चाहता है तो वो कैसे खरीदेगा उसको? ये अपने अलग अलग हिसाब से, अलग से कहीं भी डिस्ट्रिक्ट से खरीद सकते हैं। इधर जाए तो उदयपुर से खरीद सकते हैं, उधर चित्तौड़ से खरीद सकते हैं, बड़ी छोटी सादरी से खरीद सकते हैं। अलग अलग एजेंसियाँ है, अलग अलग अपने एरिया से, अलग अलग एरिया से अपने अपने एरिया से खरीद सकते हैं, जिसके जो नज़दीक पड़े उससे खरीद सकते हैं। तो सर इसमें कौन कौन सी फसल निकल सकती है? इसमें आप सभी सारी फसलें निकाल सकते हैं, केवल मूंगफली को छोड़कर बाकी सभी फसल निकाल सके, जो भी हो जो निकाल सकते हैं। कुल मिला के जाली चेंज करने पर, हाँ अलग अलग जाली पड़ जाती है। मक्की निकालोगे मक्की की अलग, सोयाबीन निकालो सोयाबीन की अलग, गेहूँ निकालो गेहूँ की अलग, अपने अपने हिसाब से जाली डाल दो और साफ सुथरा माल निकालेगा ये। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान भाई तक शेयर जरूर करें ताकि उनको भी जानकारी मिले। मिलते हैं इसी प्रकार की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।